ताजमहल की ओर निकल रहे हैं इसी के साथ। हेलो दोस्तों, हम लोग ताजमहल में एंटर कर चुके हैं फर्स्ट गेट से और इसी के साथ हम लोग ताजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बच्चा ठाकुर है। हेलो दोस्तों, हम लोग ताजमहल की ओर बढ़ते हुए फर्स्ट गेट से, जैसे कि आप देख सकते हैं सनसेट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा मॉर्निंग टाइम पे विजिट है ताजमहल का और मेरे साथ है माय फ्रेंड बच्चा ठाकुर। हेलो दोस्तों, सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और हम लोग ताजमहल के एंट्रेंस में एंटर करने वाले हैं। कुछ ही देर में हम लोग 7 ऑफ वंडर ऑफ ताजमहल को हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारा जो ताजमहल है उसका ये एंट्रेंस गेट है। जैसा कि आप ये एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना है और चारों तरफ क्राउड है, बट क्राउड ज़्यादा नहीं है और जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, सामने को भी कुछ इस प्रकार दिखता है कि जो हमारा जो ताजमहल है उसकी खूबसूरती तो वर्ल्ड में फेमस है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर नज़ारा है और ये अद्भुत नज़ारा आपके सामने। ये हमारे जो देख रहे हैं आप, ये ताजमहल का एंट्रेंस गेट है और ये जो आप ये देख रहे हैं बगल में गार्डन है और ये इसमें पानी भरा हुआ है। ये पहले बताया जाता था कि इसमें रानियां नहाती थी, ऐसा कुछ बताया जाता था। और मैं ताजमहल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ताजमहल बना हुआ है ये यमुना के तट पे बना हुआ है और ये यमुना पे इसका बनने का कारण ये है कि जो इसमें जो लकड़ी यूज़ हुई है, जो यमुना का पानी है, वो इसके बेस पर पूरा डिपेंड है। जितना जो यमुना का जो पानी है वो जो वुड है हमारे जो लकड़ी है वो एब्जर्ब करती है और जिसके कारण जो हमारा जो ताजमहल जो खड़ा हुआ है वो स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है यमुना ब्रिज के, ऐसा हम कह सकते हैं। ये देखिए, हल्का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और जो ताजमहल का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये अद्भुत नज़ारा बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। जो हल्की धूप और ये जो धूप है ये ताजमहल में बढ़िया निखर के आ रही है और ये आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बहुत ही हरियाली छाई हुई है। बेस्ट व्यू है, आप इंजॉय करिए, वन ऑफ द बेस्ट। ये दोस्तों यमुना ब्रिज है, बहुत ही प्यारी और ये ऊपर हमारा है ताजमहल। हेलो दोस्तों, हम लोग ताजमहल घूम चुके हैं और इसी के साथ अब हम लोग मथुरा की ओर रवाना हो रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप है वो मथुरा है हमारे बच्चा भाई के साथ। बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा यहाँ पे। ताजमहल बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।